नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अवधेश एक्सपेरिमेंट माइंड क्विज चैनल और मैं आपके साथ आपका दोस्त अवधेश चौहान उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको 4 वोल्ट बैटरी लेवल इंडिकेटर बना के दिखाऊंगा जो कि आप मात्र 10 से 15 रुपए में बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको 3.7 वोल्ट की बैटरी और 4 वोल्ट बैटरी के लिए बैटरी लेवल इंडिकेटर बना के दिखाऊंगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको 4 डायोड चाहिए। ये डायोड 4007 डायोड हैं और इसके बाद 4 रेजिस्टेंस चाहिए। ये बनके के रेजिस्टेंस हैं और हमें 4 ही एलईडी चाहिए। 2 आप ग्रीन कलर के ले सकते हैं और 2 आप रेड कलर के ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें एक कॉपर का 2-3 इंच का वायर ले लेना है। अब इस वायर पर हमें बन की का रेजिस्टेंस यहाँ इस तरीके से लगा लेना है। अब एक हमें ग्रीन एलईडी लेनी है, ये लगानी है। और देखिए इसकी 2 लेग हैं, एक ये छोटी लेग है और एक बड़ी लेग है। तो छोटी वाली लेग जो है ये माइनस की होती है और बड़ी वाली जो है ये प्लस की होती है। अब इसकी छोटी लेग को माइनस वाली को बन की के रेजिस्टेंस पर इस तरीके से लगा देना है। अब इस पर हमें एक 4007 डायोड लगाना है और देखिए इसमें 2 पॉइंट है, एक ये ब्लैक साइड का पॉइंट है और एक ये व्हाइट वाली साइड जो है ये पॉइंट है। तो व्हाइट वाली साइड वाला पॉइंट जो है प्लस का होता है और ब्लैक वाली साइड का जो है ये माइनस का होता है। तो इस एलईडी के प्लस पॉइंट पर हमें डायोड का प्लस पॉइंट इस तरीके से लगा देना है। अब हमें दूसरा बनके का रेजिस्टेंस यहाँ लगा देना है और इसमें प्लस माइनस का कोई हिसाब नहीं होता, रेजिस्टेंस को उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। अब देखिए इस पर हमें दूसरी ग्रीन एलईडी लगा लेनी है और इसका माइनस पॉइंट हमें रेजिस्टेंस पे लगाना है और प्लस पॉइंट जो है डायोड पे लगाना है। अब इसके बाद हमें 4007 डायोड लगा लेना है यहाँ। अब इस पर हमें एक बनके का रेजिस्टेंस यहाँ लगा लेना है। अब इस पर हमें एक रेड एलईडी लगा लेनी है और ये माइनस पॉइंट इसका रेजिस्टेंस पर लगा लेना है और प्लस पॉइंट जो है डायोड पर लगा लेना है। अब इस डायोड के पीछे हमें तीसरा डायोड लगा देना है, इसका प्लस पॉइंट आगे को रखना है डायोड की ओर। अब एक बनके का रेजिस्टेंस हमें यहाँ लगा लेना है, चौथा रेजिस्टेंस है ये। अब हमें चौथी रेड एलईडी लगा लेनी है यहाँ, इसका माइनस पॉइंट हमें रेजिस्टेंस पर लगाना है और प्लस पॉइंट हमें डायोड पर लगाना है। ये साइड पूरी हमारी माइनस की है और ये साइड पूरी प्लस की है। अब इस पर बैटरी की इनपुट सप्लाई के लिए हमें एक रेड वायर लगा देना है। अब इसके लिए बैटरी सप्लाई के लिए हमने दोनों वायर लगा लिए, ब्लैक वायर ये माइनस के लिए और रेड वायर प्लस के लिए। अब इसको चेक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस बैटरी के वोल्टेज चेक करके देखते हैं, ये फुल चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो अपना मल्टीमीटर हमने 20 वोल्टेज डीसी पे सेट कर लिया है और इसकी प्लस पिन को हमने प्लस पर और माइनस पिन को माइनस पर लगा दिया है। देखिए 4.36 दिखा रहा है, 4.25 वोल्टेज के करीब दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये बैटरी हमारी फुल चार्ज है। अब इस इंडिकेटर लाइट को इस बैटरी पर लगा के देखते हैं। देखिए फुल चार्ज पे सभी एलईडी हमारी जल रही है। देखिए अब देखिए ये दूसरी बैटरी है और इसकी वोल्टेज हम चेक करके देखते हैं। ये फिलहाल डिस्चार्ज बैटरी है। देखिए इसके वोल्टेज में 3.25 वोल्टेज के आसपास है। ये हमारी बैटरी डिस्चार्ज है और इससे इस बैटरी लेवल इंडिकेटर को जला के देखेंगे तो देखिए इसमें हमारी 2 ही लाइट जल रही है, रेड वाली और ग्रीन वाली लाइट बंद है। एक पीछे वाली हल्की जल रही है, आगे वाली बंद है। देखिए यहाँ मैंने मल्टीमीटर सेट कर रखा है और चारों एलईडी रखी हैं। इसको एक साथ जला के दिखाऊंगा मैं आपको बैटरी से। देखिए अब इसके 5 वोल्टेज के आसपास पूरे जल रहे हैं, धीरे धीरे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, उसी हिसाब से इसकी एलईडी धीरे धीरे बंद होती जा रही है। देखो अब 2 वोल्टेज पे एक ही रह गई,
धीरे धीरे ये भी बंद हो जाएगी।